हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस क्या है। चाइनाज डिनाइल टू एंट्री टू अरुणाचल एथलीट्स शोज अप द डिस्ट्रस्ट इन टाइज। देखते हैं क्या है। द एशियन गेम्स विच वर ओपन्ड ऑन सितंबर 23 बाय चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग इन हंगझोउ फॉलोइंग स्पेक्टेक्युलर ओपनिंग सेरेमनी ऑन ए स्केल दैट हैज नाउ कम टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम चाइना आर मेंट टू शोकेस अ बॉर्डर मैसेज ऑफ एशियन सॉलिडेरिटी द डे। ठीक है, यहाँ पे एशियन सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा ग्रैंड सेरेमनी हुआ, इनको ओपनिंग हुआ, ये चीज़ बताया जा रहा है एशियन गेम्स का 23 सितंबर को। ठीक है, द डे इज लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 19th एडिशन और हाउ एवर मार्क बाय एनीथिंग बट। ठीक है, तो 19th एडिशन है, ओपनिंग सेरेमनी हुआ है इसका। द डे बिफोर द ओपनिंग यूनाइटेड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कैंसल्ड हिज विजिट टू चाइना एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट टू द लास्ट मिनट डिनाइल ऑफ एंट्री ऑफ 3 इंडियन वुशु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे उन्होंने मना किया इनको आने से, तो हमारे अनुराग ठाकुर जी बोले हम भी नहीं आएंगे, जाओ तुम। ये प्रोटेस्ट किया उन्होंने अगेंस्ट चाइना। ठीक है, द थ्री एथलीट्स, उनका नाम देखिए, नेमान वांगशु ओनिलू टेगा एंड मेपेंदु लंगू। प्लीज़ अगर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती की है तो मुझे माफ़ करिएगा, मुझसे अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ कि ये हमारे कंट्री के लिए इतना मेहनत करते हैं। और गिवन दी एक्सरिड्रिएशन नीडेड टू ट्रेवल अलॉन्ग द रेस्ट ऑफ द इंडियन टीम फॉर द गेम्स हाउएवर इन वॉट अपियर्स टू बी डायरेक्टिव इशूड बाय एयरलाइन बाय चाइना टू द एयरलाइंस बाय चाइना द एथलीट्स वर टोल्ड दे कुड नॉट बोर्ड देयर फ्लाइट। चाइना हैज़ इन द पास्ट इशू स्टेपल वीजाज टू इंडियंस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओनली इन जुलाई 3 वुशु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ड्यू टू टेक पार्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन चेंगडू वर इशूड स्टेपल्ड वीजाज। इन दिस स्टांस द डिसीजन टू बार द एथलीट अपियर्स पर्टिकुलरली विंडिक्टिव एज वीजाज वर नॉट नीडेड टू ट्रेवल फॉर एथलीट्स इशूड डिजिटल एक्रीडिएशन। ठीक है, तो वहाँ पे इशूज के अपने जो प्लेयर्स होते हैं उनको वीजाज की जरूरत नहीं होती है। इंडियन ऑफिशियल बिलीव बीजिंग थस वेंट आउट ऑफ इट्स वे टू बार देयर ट्रेवल बाय इंस्ट्रक्टिंग द एयरलाइंस टू नॉट अलाउ देम टू बोर्ड। तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है, उन्होंने एयरलाइंस को बोला है चाइना ने कि भैया इन लोगों को हमें हमारे यहाँ पे मत लाना, बोर्ड मत करवाओ। तो वही बात हुई है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एक्शन एज टारगेटेड एंड प्रीमीडिएटेड। तो ये इन्होंने टारगेटेड एंड प्रीमीडिएटेड इसको बोला है। दिस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ बीजिंग यूजिंग स्पोर्टिंग इवेंट दैट शुड हैव नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स टू स्कोर जियो पोलिटिकल पॉइंट। तो मतलब यही बात है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल चीज़ तो नहीं थी, पर आप यहाँ पे बेवकूफ़ी कर बैठे। इन फेबरी लास्ट ईयर बीजिंग इल एडवाइज सेलेक्टेड द पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो उसका है कमांडर इन्वॉल्व इन द गलवान वैली क्लैश एज वन ऑफ द टॉर्च बेरियर फॉर द विंटर ओलंपिक्स। ओके, तो वहाँ पर जो गलवान वैली में आप देखिए जो कमांडर था उससे उन्होंने वहाँ पे आपका विंटर ओलंपिक्स का लाइटनिंग करवाई, मतलब वो दुनिया से दिया जलाने टॉर्च बेरर वो करवाया है। तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट दिया है उसको। बोथ देन एंड नाउ द ऑर्गेनाइजर्स हैव अपियर्ड मोर देन हैप्पी टू लुक द अदर वे गिवन चाइना स्टेटस एज बोथ विलिंग होस्ट एंड स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकर ऑफ सच इवेंट्स। द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया रणधीर सिंह हु मेट द प्रेसिडेंट जी इन हंगझोउ इन रिमार्क टू जर्नलिस्ट चेज नॉट टू कॉल आउट फॉर डिनाइल ऑफ एंट्री ऑफ एथलीट्स इंस्टेड ओनली सेइंग द मैटर वॉज बींग डिस्कस्ड। बियॉन्ड द एशियन गेम्स द लेटेस्ट चाइनीज एक्शन सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द करेंट डिस्ट्रस्ट इन बाइलेटरल रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे बाइलेटरल रिलेशन साफ दिख रहा है खराब है, एज वेल एज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तभी तो उन्होंने डायरेक्ट मना नहीं किया, एयरलाइंस को मना किया। तो कम्युनिकेशन टू डील विथ लॉन्ग परसिस्टिंग थ्रोनी इशूज इंक्लूडिंग वीजाज। तो वीजाज भी मतलब क्या, चलो ठीक है। न्यू दिल्ली एज करेंटली करेक्टली मेड क्लियर द रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन रिलेशन विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट कंप्लीटिंग दिस एंगेजमेंट प्रोसेस अलॉन्ग साइड द LAC एंड रिस्टोरिंग द पीस इन बॉर्डर एरियाज अंटिल बीजिंग रिव्यू इट्स स्टांस
on the border, the current state of affair which suits neither India nor China is likely to endure. ठीक है, इंडिया ने साफ बोल दिया भैया पीछे हटो, वहाँ पे पीस लाओ तभी हम बात करेंगे, और चाइना कैसा बेवकूफ है आप देखिए, अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक रखना चाहिए था, तो उन्होंने स्पोर्ट्स में क्या किया, पॉलिटिक्स घुसा दिया है, पॉलिटिक्स क्या जियो पॉलिटिक्स घुसा दिया है उन्होंने स्पोर्ट्स में। तो चाइना को मैं शुरू से बोलता हूँ, चाइना क्या है, बेवकूफ़ है, ठीक है, वो बिगड़े हुए बच्चे नहीं होते, वो चाइना है, जिसके पास पैसा रुपया तो आ गया है पर कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे काम करना है, लोगों से कैसे बिहेव करना है, उसके पास वो बुद्धि नहीं है। तो पैसा तो है पर ये सारी चीज़ें नहीं है, तो हमें पैसे से मतलब भी नहीं है। तो चाइना तुम गलत कर रहे हो, ये बहुत एक गलत था भाई, अपने एथलीट्स थे वो, एटलीस्ट वहाँ पे उन लोग को कम्पीट करने का मौका तो देते, तुम मौका तुम क्या देते यार, तुमने डिनाई कैसे करवाया, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, तुम क्या बेवकूफ़ वेकूफ़ बैठे, देखो फिर मेरा लैंग्वेज ख़राब होगा, इसीलिए चाइना को किया जाए कम्प्लीट इग्नोर। वैसे भी इनकी इकॉनमी नीचे जा रही है, ये भी नीचे जाएंगे, इनका पॉपुलेशन भी नीचे जा रहा है, इसका डाउनवर्ड स्टार्टअप हो चुका है, ये सब कुछ इनका अब नीचे ही जा रहा है। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।